हेलो एवरीवन, वेलकम टू पटेल कोचिंग। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 तक का चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग कम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस को देखेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। तो देखिए, जो ऑथर हैं राइटर, उनको जंक शॉप मतलब कबाड़ की दुकान पे क्या मिला था। तो जो ऑथर हैं उनको कबाड़ की दुकान पे एक बहुत ही पुराना 19 सेंचुरी का रोल टॉप डेस्क मिला था, उसी को इसके आंसर में हमको लिखना है। जो क्वेश्चन में दिया है ना, वहीं से आंसर को हमको उठाना है। तो आंसर में लिखेंगे, द ऑथर फाउंड अ वेरी ओल्ड 19 सेंचुरी रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप। अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रावर, व्हाट डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो राइटर हैं उनको सीक्रेट ड्रावर में क्या मिला था, और आपके विचार से जो चीज़ उनको मिला था उसको किसने उस ड्रावर में रखा था। तो देखिए, जो ऑथर हैं उनको एक छोटा सा काला टिन का बॉक्स उस सीक्रेट ड्रावर में मिला हुआ था। मेरे विचार से वो जो ऑनर हैं रोल टॉप डेस्क के, उसने ही शायद वो जो स्मॉल टिन का ब्लैक बॉक्स था उसको वहाँ पे रखा था। इसी को इस आंसर में हमको लिखना है। द ऑथर फाउंड अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स इन अ सीक्रेट ड्रावर। आई थिंक द ऑनर ऑफ द रोल टॉप डेस्क माइट हैव पुट इट इन देयर। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन है, हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन। किसने उस लेटर को लिखा हुआ था, किसे लिखा था और कब लिखा था। तो देखिए, जॉन मैकफर्सन ने उस लेटर को अपनी पत्नी कॉनी मैकफर्सन को लिखा हुआ था, और इसका डेट था दिसंबर 26, 1914। इसी को इस आंसर में हमको लिखना है। जॉन मैकफर्सन हैड रिटन दैट लेटर टू हिज वाइफ कॉनी ऑन दिसंबर 26, 1914। इसमें फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई वाज द लेटर रिटन, व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड। यह लेटर क्यों लिखा गया था और वह आश्चर्यजनक चीज, वंडरफुल थिंग क्या था जो उस समय घटा था। तो देखिए, ये लेटर जो है ना, वो जिम मैकफर्सन ने अपनी पत्नी कॉनी मैकफर्सन को लिखा था, और जो आश्चर्यजनक चीज़ था वो ये था कि उस समय ब्रिटिश और जर्मन जो सोल्जर्स थे वो आपस में वार कर रहे थे, लेकिन क्रिसमस की शाम को वो नो मैन्स लैंड में मिले थे, जबकि उनके बीच में वार चल रहा था। और मिलने के बाद वो लोग साथ में खेले थे, गाए थे, खाना खाए थे, आपस में बात किए हुए थे, और दोनों के दोनों जो आर्मी हैं वो इस बात को लेकर सहमत थे कि वार नहीं होना चाहिए बल्कि पीस होना चाहिए। तो इसको आंसर में लिखेंगे, जिम रोट अ लेटर टू हिज वाइफ टू टेल हर दैट द ब्रिटिश एंड जर्मन ट्रूप्स मेट इन नो मैन्स लैंड ऑन क्रिसमस ईव डिस्पाइट द वार बिटवीन द टू कंट्रीज। इसमें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, व्हाट जॉब्स डिड हैंस वॉल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन वे आर नॉट सोल्जर्स। जो हैंस वॉल्फ हैं और जिम मैकफर्सन हैं, वो कौन सा जॉब किया करते थे जब वो सोल्जर नहीं थे। तो देखिए, जो हैंस वॉल्फ हैं
वो सेलो बजाया करते थे एक ऑर्केस्ट्रा में, और जिम जो थे वो एक स्कूल टीचर थे। इसी को इस कैंसर में हमको लिखना है। When they were not soldiers, Hans played the cello in the orchestra and Jim was a school teacher. Question number 6th है, Had Hans Wolf ever been to Dorset? When did he knew it? क्या Hans Wolf जो है ना वो ब्रिटिश सिटी जो थी डोरसेट में कभी गए थे, वे उसके बारे में कैसे जानते थे? तो जैसे कि हमने अच्छे से समझा है कि Hans Wolf जो है वो ब्रिटिश सिटी डोरसेट में कभी नहीं गए थे, वो उसके बारे में अपने स्कूल में जानते थे, और साथ ही साथ उन्होंने थॉमस हार्डी की एक नावेल फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड पढ़ा हुआ था, जिसके द्वारा उनको डोरसेट के बारे में पता था। उसी को इसके आंसर में लिखेंगे। नो, Hans Wolf हैज नेवर बीन टू डोरसेट। He learned about Dorset from reading Thomas Hardy's novel Far From the Madding Crowd. इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, Do you think Jim McPherson come back from war? How do you know this? क्या आप सोचते हैं कि जिम मैकफर्सन जो हैं वो युद्ध से वापस लौटे थे? आप इसके बारे में कैसे जानते हैं? तो देखिए, हमको लगता है कि जिम मैकफर्सन जो हैं वो युद्ध से कभी नहीं लौटे थे, क्योंकि जो लेटर था उसमें यही लिखा हुआ था कि मरने के बाद जब सही समय आएगा तो ये लेटर को उनके साथ में दफनाया जाए। इसी को इस कैंसर में हमको लिखना है। नो, जिम मैकफर्सन नेवर कम बैक फ्रॉम वार। द सेलो टेप्ड बॉक्स हैड अ नोट पेपर ऑन इट वेयर ही हैड रिटन दैट टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिटपोर्ट। जो ऑथर हैं वो ब्रिटपोर्ट क्यों गए थे? ऑथर ब्रिटपोर्ट इसलिए गए थे ताकि जो लेटर उनको मिला हुआ था उसको मिसेज जिम मैकफर्सन को वो लौटा सकें। इसी को इसके आंसर में हमको लिखना है। द ऑथर वेंट टू ब्रिटपोर्ट टू डिलीवर अ लेटर टू मिसेज जिम मैकफर्सन। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ ओल्ड वाज मिसेज मैकफर्सन नाउ, वेयर वाज सी। मिसेज मैकफर्सन कितने उम्र की थी और वे कहाँ पे थी? मिसेज मैकफर्सन जो हैं अब 101 ईयर्स ओल्ड हो चुकी थी। वे एक नर्सिंग होम में रहती थी। उसी को आंसर में लिखेंगे। मिसेज मैकफर्सन वाज नाउ 101 ईयर्स ओल्ड, सी लिव्ड इन अ नर्सिंग होम। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु डिड कॉनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वाज। जो कॉनी मैकफर्सन थी उनको क्या लगा था कि विजिटर कौन थे? तो कॉनी मैकफर्सन को ये लगा था कि जो विजिटर हैं उनके हस्बैंड जिम मैकफर्सन हैं। इसी को इस कैंसर में हमको लिखना है। कॉनी मैकफर्सन थॉट हर विजिटर वाज हर हस्बैंड जिम मैकफर्सन। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हिच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोस दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी। पूरे टेक्स्ट में कौन सा सेंटेंस इस चीज़ को बताता है कि जो विजिटर थे वे अपनी पहचान को छुपाना नहीं चाहते थे? तो देखिए, ये जो सेंटेंस है ना वो है, आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट बट आई डोंट थिंक सी वॉज लिसनिंग। मैंने उनको एक्सप्लेन करके बता दिया था डेस्क के बारे में कि वो कैसे मेरे को मिला था,
लेकिन मेरे को नहीं लग रहा था कि वो मुझे सुन रही थी। इसी को इस कैंसर में हमको लिखना है। द सेंटेंस इज आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक सी वॉज लिसनिंग।